नीट लीकेजी ఆరోపణలపై పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరుగుతోందన్నారు కేంద్ర విద్యాశాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ గోవింద్ జైస్వాల్. నీట్ పరీక్షపై చాలా ఆరోపణలు వచ్చాయన్నారు. వాటిలో గ్రేస్ మార్కుల సమస్యను పరిష్కరించామని తెలిపారు. బీహార్లో ఎగ్జామ్ పేపర్ లీకేజ్, గుజరాత్లో మాల్ ప్రాక్టీస్ ఇష్యూపైన విచారణ చేస్తున్నామన్నారు గోవింద్ జైస్వాల్. जो 18 जून को एनटीए ने कंडक्ट कराई थी, लगभग 9 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था. 19 जून को यूजीसी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के इंडियन साइबर क्राइम सेंटर क्वालिटी सेंटर I4C से कुछ इनपुट मिले. उस इनपुट को प्राइमा फेसी देखने से मिनिस्ट्री को ये अपीयर हुआ कि देर इज अ चांसेस दैट एग्जामिनेशन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज टू टेकिंग अ वेरी प्रॉम्प्ट एक्शन एंड विथ अ एम टू इंश्योर स्टूडेंट इंटरेस्ट द मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू कैंसिल द एग्जामिनेशन. नेक्स्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन जल्दी ही कन्वे कर दी जाएगी और इसके साथ ही मैटर को CBI को भी रिफर कर दिया गया है ताकि जो भी पॉसिबल अगर कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट है तो सभी लोगों को उनको खिलाफ कार्रवाई की जा सके. मैं एक बात को दोबारा रिट्रेट करना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री इज कमिटेड टू इंश्योर स्टूडेंट इंटरेस्ट एट ऑल लेवल एंड मिनिस्ट्री डज नॉट एंड विल नॉट हेजिटेट टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट एनी वन इफ फाउंड इन्वॉल्व इन एनी मैटर विच इंडिकेट द कॉम्प्रोमाइज ऑफ एग्जामिनेशन. स्टूडेंट्स का हित हमारे लिए सर्वोपरि है और हम सभी कमिटेड हैं और सभी एजेंसी के साथ हम काम कर रहे हैं और इसीलिए प्रोएक्टिव स्टेप लिया गया है ताकि कोई भी ये क्लेम ना कर पाए कि स्टूडेंट्स के हित की किसी भी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज की जा रही है. इनपुट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को मिले थे I4C के द्वारा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर काम करता है. वो इनपुट टेक्निकल नेचर के थे और प्राइमा फेसी ये अपीयर हुआ था कि एग्जाम इट माइट हैव कॉम्प्रोमाइज. अभी तक किसी डायरेक्ट लेवल की बात नहीं हुई थी एंड ये प्रोगेटिंग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का है कि दे इंक्वायर द मैटर एंड चेक एंड पॉसिबल कोलिजन एट एनी लेवल. वी आर अगेन सेइंग कोलिजन एट एनी लेवल इफ फाउंड वी आर वेरी मच रेडी टू टेक एक्शन अगेंस्ट एनी वन. बट ये मैटर अभी CBI को गया है. वी शुड वेट फॉर देयर